तो नमस्कार भैया जी, क्या हाल चाल है आप सभी के? अभी मैं बिहार के कटिहार जंक्शन में, और हम लोग पता है किस में जर्नी कर रहे हैं। देखो सामने में लगी है डिब्रूगढ़ राजधानी, और हमारी राजधानी में जर्नी हो रही है। वो भी फर्स्ट अपनी राजधानी है जिसमें हम लोग जर्नी कर रहे हैं। वैसे अगर बात करूँ तो अभी हम लोग कटिहार पहुँच गए। और हाँ, पार्ट वन देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा तो भैया देखो यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ही जाएगा। और नहीं भी देखो तो स्क्रॉल करके कहीं ना कहीं से देख ही लेना। वैसे अगर बात करूँ तो इसमें मस्त फूड रिव्यू कर रहा हूँ, स्टेशन तो कवर कर ही रहा हूँ, बाकी अब इसके बाद जो आने वाला है फूड के साथ हर एक स्टेशन कवर करने वाला हूँ। बहुत कुछ ही कम स्टेशन होंगे जिसको मैंने स्किप किया है। वैसे जो पहला राजधानी का एक्सपीरियंस है, मुझे तो अभी तक उतना खास मज़ा नहीं आया है। देखो आज पूरे दिन में क्या होता है, अभी नाइट तो स्टे करना ही है डिब्रूगढ़ तक, तो चलो देखते हो। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, काहे से कि बड़ा महंगा पड़ा है भैया जर्नी। तो चलो देखते हैं, ट्रेन भी अपनी खुलेगी, कटिहार से 10 मिनट का होल्ड होता है जी। निकल चुके और हम हमारी राजधानी कटिहार से। वैसे जो ब्रेकफास्ट है कब का आ गया था कटिहार से पहले, लेकिन मैंने आपके लिए रखा था, सोचा कटिहार जब निकलेगा तब खाएंगे और दिखाएंगे। तो चलो डायरेक्ट ब्रेकफास्ट करते हैं कटिहार के बाद। कटिहार ये मानना पड़ेगा साफ सुथरा रखा है भैया, इंडस्ट्रियल एरिया है, साफ सुथरा तो कर ही देगा जी। आ गया अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में देखो क्या है, मैंगो आया है, ये फ्रूटी वाली नहीं है भैया, पता नहीं किस कंपनी का दिया है। ब्राउन ब्रेड दे रखा है, इसमें दे रखा है आपका कुछ वेजिटेबल्स, नाम का दो फ्राइज और ऑमलेट तो दे ही रखा है। ये पता नहीं किस कंपनी का बटर है भैया, अमूल का, जब क्रीम दियो तो अमूल का बटर दे दो। समोसा वाला लग रहा है मार के, केचप दिया क्योंकि भाई शाम को समोसा में केचप वचप दिया नहीं था, इसमें दिया है। चलो अपना सबसे फेवरेट सैंडविच बनाते हैं। सैंडविच इन्हें दिया नहीं बट हम जरूर बनाएंगे। इसमें क्या ही बनाया भैया, इसको साफ ऐसे ही रख दो, थोड़े वेजिटेबल ज़्यादा रहते तो और मज़ा आते, पर कोई बात नहीं, सुबह सुबह आलू खाने से बढ़िया है ऑमलेट खा लो, वेज वालों के लिए क्या किया जा सकता है। और इधर में थोड़ा सा केचप, ज़्यादा नहीं वरना खट्टा हो जाएगा। आ गया मस्त, ये हो गया बनके तैयार। अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने बनाया ना, कोई और देता तो कुछ कह भी सकता था, पर ठीक है अच्छा है। सुबह सुबह में क्लीनिंग व्लीनिंग के लिए भाई ये सब तो आया था, ये सब तो ठीक है, लेकिन फूड के लिए कुछ रिव्यू के लिए है आपके पास ऐसे रिव्यू करने के लिए है ना? ये तो नहीं, ये नहीं है ना, ऐसा होता तो मान लो फूड का रिव्यू देते क्या है नहीं है, पर क्लीनिंग ठीक है आपका? ठीक है, क्लीनिंग ठीक है तो भाई ठीक है। तो जी दोस्तों, ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है बिहार की लास्ट स्टॉपेज कह सकते हो अपनी इस ट्रेन के। वैसे तो हमने कई बार बंगाल में एंटर किया और कई बार बंगाल से बाहर निकला, और लेकिन अपना ये जो स्टॉपेज है ट्रेन का ये लास्ट है बिहार में, क्योंकि इसके बाद अब आ जाएगा हम लोग बंगाल में। और ऐसे बात करूँ ये किशनगंज, हम रेलवे स्टेशन पर किशनगंज की बात, स्टेशन कोड के NI नंबर है पर फॉर्म केवल दो, और यहाँ से एक ट्रेन ओरिजिनेट ट्रेनमेंट होती है। डेली हॉल्टिंग बात करो तो 171 ट्रेनों का हॉल्ट है। वैसे अगर बात करूँ तो ये नॉर्थन फ्रंटियर रेलवे जोन के जो अपने पीछे कटिहार डिवीजन गया है उसी में आता है। और लेकिन मैंने एक चीज़ देखा और पढ़ा विकिपीडिया के हिसाब से, मुझे तो उतना नहीं जानकारी है भैया क्योंकि इस साइड में बहुत कम ही आना जाना रहता है, कि यही एक बिहार का ज़िला है जहाँ पे जो चाय पत्ती होती है आसाम उसाम की साइड से, यहाँ पे उनकी फैक्ट्री है कुछ कुछ, मतलब चाय पत्ती का काम किया जाता है। वैसे अगर कोई बिहार में ऐसा ज़िला है तो बताइएगा और इसके बारे में बताइएगा कि ये कन्फर्म न्यूज़ है या नहीं। वैसे चलो केवल 2 ही मिनट का हॉल्ट होता है, चलते हैं क्या करें, अब धीरे धीरे धूप भी आएगी, AC का टेम्परेचर वो तेज है, बाहर और अंदर होगा थोड़ा दिक्कत होगा, कोई बात नहीं एडजस्टमेंट तो करेंगे ही, लेकिन अब धूप ठीक ठाक अच्छा हो, दिल्ली से तो अच्छा ही है, इधर थोड़ा गर्मी होगा। Thank you.
जी टाइम हो रहा है 11:25, अब तो 30 हो गया, 5 मिनट बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। और हम लोग पहुँच चुके हैं बंगाल में, और बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन की बात करूँ तो स्टेशन कोड NJP नंबर प्लेटफॉर्म 8, और यहाँ से 21 ट्रेन और जीरो ट्रेन में टूटते डेली हाल्टिंग की बात करो तो 152 ट्रेनों का हॉल्ट है। नॉर्थन फ्रंटियर रेलवे जोन के वही कटिहार डिवीजन में ही चल रहे हैं। अभी काफ़ी दूर तक हम शायद नॉर्थन फ्रंटियर रेलवे जोन में ही चलेंगे, डिवीजन बेशक चेंज होगा उसकी बात अलग है। वैसे अगर बात करूँ तो भाई ट्रेन जो अब लग रही है कि राजधानी है, क्योंकि टाइमिंग पे आ रही है। और वो देखो सफाई उफाई का भी ट्रेन में काम चल रहा है। सफाई के लिए कहा था, सफाई के लिए तो अच्छी है। फूड को देखो, फूड में क्या इम्प्रूवमेंट होने वाला है, नहीं होने वाला है दिन में और रात में आज खाएंगे। कल तो मुझे रात का फूड जो था उतना मज़ा नहीं आया था। वैसे अगर न्यू जलपाईगुड़ी की बात करूँ यहाँ NJP की, तो भाई NJP से काफ़ी खूबसूरत जगह जा सकते हो, यानी आप जा सकते हो यहाँ से दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग के लिए हिमालय टॉय ट्रेन भी चलती है यहीं से, जो जाइए दार्जिलिंग नहीं गए हो ना जाइए यार, मज़ा आ जाता है। पर लेकिन अकेले नहीं जाना, दोस्तों के साथ जाना या किसी फैमिली वालों के साथ। अकेले जाओगे तो बोर हो जाओगे, जैसे मैं गया था। दोस्तों के साथ जाओगे तो काफ़ी अच्छा। वैसे इंडिया के मेरे ख्याल से पहला रेलवे स्टेशन है जहाँ पर 4 लैंग्वेज में अनाउंसमेंट होता है, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश और नेपाली में। तो चलिए जाइए, अच्छा खासा अब रेलवे स्टेशन तो है ही बड़ा सा, काफ़ी सारी लाइनें गई है। और पहले यहीं से डीजल वाली जो सेक्शन था चालू होता था, लोकोमोटिव चेंज होता था, लेकिन अभी शायद हमारी ट्रेन की आगे जाके चेंज होगा। और खाना बनाएगा अब दिखाएंगे, जाना कहीं नहीं है, देखो देखते हैं खाना वाना में अब क्या मिलता है। नॉनवेज ऑर्डर किया आपने तो। चलो जी निकल चुके हैं NJP से, और यहाँ आओगे तो केवल डीजल के लोकोमोटिव बहुत सारे दिखेंगे आपको। और यहीं इस पार जाइएगा, वो जो आपको सामने वो बिल्डिंग दिख रही है उससे पहले वहीं पे हिमालयन रेलवे चलती है। मुझे अभी तक मौका नहीं मिल पाया जाने का, बट नेक्स्ट टाइम जब भी जाना होगा दार्जिलिंग घूमने, मतलब नेक्स्ट टाइम क्या, अभी गर्मी के दिनों में 2-4 महीने बाद आऊँगा तो उसी को बोट करने वाला हूँ। जलपाईगुड़ी भैया ये लोग अपने भाई साहब, ये लोग तो मेहनत कर ही रहे यार, इनको लिए तो कुछ नहीं कह सकते। बस इनके मैनेजर जी से कहना चाहेंगे ना कि खाना में इम्प्रूवमेंट कराइए। भाई आपके लड़के बड़ा मेहनत करते हैं भाई, सारा ख्याल रखते हैं, और आप कहाँ नहीं ख्याल रख रहे हो। भैया जी क्या चाहिए बताओ, इतना महंगा टिकट कटवा रहे हो, कुछ खिलाई दो पिलाई दो बढ़िया से। जरूर खिलाएंगे भाई, जरूर खिलाएंगे। चलो ठीक है, लंच में नॉनवेज मंगाया क्योंकि रात में वेज खाया था। दाल मिला है सिंपल सा बट गाढ़ी गाढ़ी है, चिकन मिला है वही कल जैसा टेस्ट होगा, और अपना राइस और दो पतले पतले पराठे। अभी पराठे में कुछ इम्प्रूवमेंट मिली है, रात में जितना बेकार पराठा था कुछ कहने लग रहा था, दोपहर ठाक दे दिया पर अभी ठीक ठाक दिया है। टेस्ट कल वाला ही सेम है, चिकन का टेस्ट अच्छा है। सब्जी देखेंगे तो रात में लेंगे टेस्ट कैसा होता है, बाकी ओवरऑल इसका टेस्ट ठीक है। दाल फ्राई नहीं क्या कर सकते, क्वान्टिटी कम है, पर मैंने बोला है भैया एक और रोटी मेरे को दे दोगे तो अच्छा होगा, देखो क्या करता है। बोला तो है लाने के लिए, और दही रखा ही अपना खाता हूँ, देखता हूँ रोटी आएगा तो बता भी दूंगा भाई। जो एक्स्ट्रा रोटी मंगवाया था वो तो आ गया, तो आप भी मंगा सकते हो, मिल ही जाता है यार, कहोगे तो दे देते हैं ये लोग। मैं रात शाम को नहीं मंगा पाया था, कहा इतना तो मिलेगा कहाँ से, वैसे कहोगे तो होता ही है, बहुत लोग नहीं लेते हैं चाहे कुछ लोग खाना ही नहीं खाते हैं तो मिल जाता अपने को। बिहार तो जी दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है बंगाल में न्यू कुंज बिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, यानी अपने 13वें हॉल्ट के पास। और बात करें न्यू कुंज बिहार रेलवे स्टेशन पे, तो आई अपने टाइम से भी भाई 25-30 मिनट पहले, यानी 5 मिनट का तो हॉल्ट होता है लेकिन 25-30 मिनट रुकेगी। और ये भी हॉल्ट पता है किस लिए ये दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो चेंज हो के डीजल लोकोमोटिव में बदला जाएगा। यहाँ तक तो लाइन सेक्शन मेरे ख्याल इलेक्ट्रिफिकेशन 2020 के आसपास में हो गया था, लेकिन शायद आगे डिब्रूगढ़ तक उतनी अच्छी क्लियर लाइन नहीं है। वैसे न्यू कुंज बिहार रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो स्टेशन कोड NCB नंबर प्लेटफॉर्म 7, और यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट ना कोई ट्रेन, लेकिन 124 ट्रेनों का हॉल्ट जरूर है। नॉर्थन फ्रंटियर रेल जोन के अलीपुर द्वार डिवीजन में
ये आता है। तो वैसे अगर बात करूँ तो यहाँ पे यार अच्छे अच्छे चीज़ों की, मतलब बांस से बने चीज़ों की बहुत ही भरमार यार। बांस से बने हुए जहाज, पता नहीं क्या क्या टोकरी हो गई, बेचे जा रहे हैं। अगर आना तो ये ले सकते हो, थोड़ा कॉस्टली होगा लेकिन भैया कल्चरल चीज़ें तो महंगी होती और टिकाऊ भी होती हैं, दिन भर लेके घूमने वाली तो होती नहीं है। चलो लोकोमोटिव चेंज हो रहा है उस साइड में, अपनी भाई जा रही आवाज़ आ रहा होगा आपको शायद। भैया ट्रेन खुलने का तो नाम ले नहीं रहा है, लेकिन देखो मेरा फेवरेट आइसक्रीम आ चुका है अंदर। क्या तो देखा तो सब भैया आइसक्रीम खा रहे थे, तो हम भी मांगे कि हमारा भी आइसक्रीम दो भैया, बेच दोगे क्या उसको फिर 20 रुपये में। तो चलिए जी, ट्रेन अपनी निकल चुकी है, काफ़ी मतलब 15 मिनट लेट हो चुकी है। और 15 मिनट लेट बताओ क्यों हुए, 25 मिनट पहले आई और लोकोमोटिव चेंज कर रही है। देखो ये बांस की चीज़ें देख रहे हो ना, पर्स से लेके चप्पल जूता तक जितने भी चीज़ बेच रहे हैं भाई बांस से बने हुए, मतलब बांस ऊपर से लगा है, अंदर में वही जो प्लास्टिक होती है अच्छी खासी है, लेकिन अच्छा खासा हैंडलूम है भाई, तो इसको प्रमोट करना चाहिए अगर आप ले सकते हो तो। और राजधानी में बैठे हैं भैया, अगर ले ही सकते हैं, बेशक हमारे स्लीपर जनरल वाले हमारे जैसे लोग ना ले पाए। वैसे बात करूं तो केवल लोकोमोटिव चेंज करने में भाई 40 मिनट का समय लगे, बताओ कोई बात नहीं, चलते हैं। अब आपसे मिलेंगे काफ़ी लंबा समय थोड़ा बाद, रेस्ट करते हैं थोड़ा बहुत। न्यू कोच बिहार, सुनिया रिवर, तो ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है अपनी सुलहवे हॉल्ट यानी न्यू बोंगाई जंक्शन, वो भी अपने टाइम से पूरे का पूरे 40 मिनट बिफोर। आने का तो भैया 1 घंटे पहले आ सकती थी लेकिन पीछे रुकी हुई थी। और न्यू बोंगाई की बात करते स्टेशन कोड NBQ नंबर प्लेटफॉर्म 7, और यहाँ से 9 ट्रेन और जेट और ट्रेमो चलते। डेली हॉल्टिंग की बात करो तो 150 ट्रेनों का हॉल्ट है। और बात करूँ रंगिया डिवीजन पड़ता है, वैसे अगर बात करूँ तो भैया टाइमिंग स्लैश टाइमिंग दे रखा है पीछे जो स्टेशन था उसके बीच में, क्योंकि ज़्यादा दूरी ही नहीं है, शायद 20 से 30 किलोमीटर दूरी है, उसमें ही 1.5 से 2 घंटे के आसपास, पता नहीं ध्यान भी नहीं आ रहा है, उतना टाइम दे रखा है। उतना टाइम देगा तो भैया मेकअप तो कर ही लेगी और टाइम से पहले आ ही जाएगी। इससे पहले जो स्टेशन आया था वहाँ पर भी 1/2 घंटे पहले और यहाँ पर भी 40 मिनट पहले आई। और लेकिन अब एक बात बताऊँ इस न्यू बोंगाई जंक्शन के बारे में, कि ये इंडिया का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जो कि किसी नदी के ऊपर बना हुआ है। क्योंकि देखा आपने जो पीछे ये जो नदी आया था तुनिया नदी, तुनिया रिवर, उसी के ऊपर ये बना हुआ है। उधर रहता तो मैं आपको दिखा भी देता, अगर गुवाहाटी से आओगे जब भी तो आपको उस साइड में दिख जाएगा, और इधर से तो पीछे हमने पहले देख ही लिया था। अगर भैया ये जो क्वेश्चन है कई SSC ये सब जो भी मतलब एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम उनमें तो पूछा ही है, KVC में भी एक बार पूछा था। तो भैया ये याद रखोगे ना तो करोड़पति बन जाओगे, कि इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेशन है जो कि किसी नदी के ऊपर बना है, यानी तुनिया नदी के ऊपर। यही है अपना न्यू बोंगाई जंक्शन। फिर से अपना शाम का ब्रेकफास्ट, अपना भी और भैया का भी वही दिया है, कल का घिसा पिटा हुआ समोसा। तो भाई आज तो ठंडा है यार, कल तो कुछ गर्म भी था, आज मुझे नहीं लगता है कि समोसा कुछ गर्म है, समोसा है ही नहीं एक्चुअली कहे तो। आज दिया कचौड़ी विदाउट चटनी, सॉस भी देता चटनी देता यार, देखो इतना कंजूसी नहीं करो। इंडियन रेलवे से कहना चाहूँगा अगर देख रहे हो ना भाई कुछ इम्प्रूवमेंट करो यार, क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। कल अंकल जी भी ने रिव्यू दिया, ये भैया भी दे रहे, मतलब क्या चाहते हो। ठंडा हो गया टेस्ट की क्या बात करो, मतलब ठीक लग रहा होगा पर ठंडा हो गया तो क्या पता चलेगा। ठीक है वही है कल वाला, लेकिन अब मुझे कॉफ़ी किट दिया गया, सुकून से कॉफ़ी पीऊँगा आज, बहुत देर हो गया मेरे को, सुबह में 2 बार चाय ली वापस कर दी, कोई फायदा नहीं, देखते हैं। ठीक है पर समोसा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता कचौड़ी। तो जी दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है नॉर्थ ईस्ट के मेन एंट्रेंस गेट पे, और इंडिया की फर्स्ट फुल्ली सोलर इलेक्ट्रिफाइड रेलवे स्टेशन यानी गुवाहाटी पे। बाय भैया,
और बात करूं अगर गुवाहाटी की तो स्टेशन कोड GHY नंबर प्लेटफॉर्म 7 और यहां से 44 ट्रेन और जीनेट और 45 ट्रेन टर्मिनेट होते हैं। डेली हॉल्टिंग की बात करूं तो 73 ट्रेनों का हॉल्ट होता है गुवाहाटी से। नॉर्थन फ्रंटियर रेलवे जोन में चल रहे हैं, डिब्रूगढ़ तक शायद हम लोग इसी डिवीजन में चलेंगे। और ये नॉर्थन फ्रंटियर रेलवे जोन के ये लामडिंग डिवीज़न पड़ता है। वैसे अगर बात करूं तो भैया टाइम हो गया है, थोड़ा बहुत ट्रेन अपनी लेट हो चुकी है। ये है ना कुछ कुछ बीच में तो अच्छा चल रही थी इतना घंटा घंटा पहले, अब इधर फिर किसी बड़े सिटी में जाती है ना तो ये पता नहीं क्यों लेट हो जाती है। राजधानी होके मुझे खुद समझ में नहीं आता है, ऐसी तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये राजधानी का एक्सपीरियंस ठीक ही चल रहा है। और रात को कल एक ट्रिक बताऊंगा खाने को लेकर, जब मैं उतरूंगा लास्ट में तो उस वक्त आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ कि खाना है बढ़िया है वो कैसे खा सकते हो। जी ट्रेन अपनी निकल चुकी है देख सकते हो गुवाहाटी से, और पता है अपनी ट्रेन कितनी लेट हो गई है, 1 घंटा 5 मिनट लेट। बताओ 8:15 पे निकल रही है और इसका टाइम था कितना, क्या करूँ यार। कौन सी ये राजधानी है पर समझ नहीं, पर गुवाहाटी स्टेशन इतना समझ में आता है कि बहुत ही खूबसूरत है। और बाहर जाओगे इतना बड़ा स्पेस और इतना अच्छा खूबसूरत बना रखा है, कुछ कहना लायक नहीं। मन है ना चाहते हो नॉर्थ ईस्ट घूमना तो एक बार गुवाहाटी आओ और माँ कामाख्या का दर्शन करो। यहीं से ज़्यादा नहीं 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है, मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। पहाड़ियों के बीच में माँ कामाख्या बसी हुई है, तो आना तो भैया ज़रूर दर्शन करना। और हाँ खाना आने वाला है, देखते हैं क्या देता है नहीं। जैसे खाना आ गया वही जो रिपीट रिपीट बार बार, इसमें रोटी है, ये चावल और ये चिकन। इसमें देखो दाल वही है, कभी फ्राई नहीं कर रहा है। और चिकन की देखो बात करें ना तो चिकन की ग्रेवी अब देखने में मुझे भूख नहीं इसलिए नहीं लग रहा है या वैसे, पर इस बार अब की बार आपको रोटी से साथ खा के दिखा रहा था ना, इस बार चावल के साथ खा के देखते हैं इसकी ग्रेवी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ग्रेवी देख के बता दिया कि अच्छा नहीं लग रहा होगा। जो दोपहर में था वो तो अच्छा भी लग रहा है। अब मैं एक सलाह की बात बताता हूँ, अगर आपको इच्छा है अंदर से कि इसके अंदर का ये वाला खाना मंगवा के खाएं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और आप मेरी सलाह मानो ना तो भैया प्रेफरेंस में खाना डालना ही नहीं, अपना मन का ऑनलाइन खाना मंगाओ, नहीं तो 185 रुपीस दो तब खाना मंगा के ये खा सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन खाना मंगाओ। हम तो भैया कभी प्रेफरेंस नहीं करेंगे कि इसमें इंक्लूड टिकट में इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि बाद में भी आपको मिल ही सकता है, तो क्या दिक्कत है भाई टिकट में इंक्लूड करके 1100-1200 रुपये फंसाने का, ठीक है समझ गए होगे। तो खाना इसका मतलब मैं कहूँगा कि एक बार खा सकते हैं, दो बार खा सकते हैं, तीसरी चौथी बार इस खाने को नहीं खाया जा सकता है। लेकिन हम तो भैया 200-300 रुपये 1100 रुपये फंसा रखे अपने, तो खाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो अब सो रहे हैं आइसक्रीम आएगा, क्योंकि अब जो हॉल्ट्स आने वाले हैं वो भी लेट आएगा और छोटे छोटे काफ़ी अब हॉल्ट्स हैं, सो जाएंगे। उधर से आते समय आपको ज़रूर दिखाएंगे। गुड नाइट, बाय बाय, आप भी सो जाइए, आज हम भी सुकून से सोएंगे। तो जी दोस्तों फाइनली पहुंच गया, देख रहे हो कहाँ, सोच रहे हैं कितनी बढ़िया जगह पे आपका भाई रुका हुआ है, इधर टेबल इधर ये वो ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो नॉर्थन फ्रंटियर रेलवे जोन के अंदर के मतलब डिब्रूगढ़ डिवीज़न में जो पड़ता है, ये डिब्रूगढ़ का क्या है डॉर्मेट्री है रेलवे स्टेशन का, इतना खूबसूरत। और प्राइस बताऊँ केवल 75 रुपये की, कैसी लगी, मज़ा आ गया ना। अब करते हैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात। देखो जर्नी एक्सपीरियंस की बात करना तो बहुत अच्छी रही, जर्नी तो काफ़ी अच्छी रही, लेकिन मैं फूड को लेकर सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं यही कहूँगा कि जो अपना फूड है वो टिकट में इंक्लूड ना करें, साइड से फूड ले, जो इसी ट्रेन में है उसी को ले, 180 रुपीज़ या 1 कुछ रुपीज़ के दे इंक्लूड ना करें। और जर्नी तो राजधानी की राजधानी होती है, बस थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी मेरी फर्स्ट जर्नी थी तो मुझे तो भाई बहुत मज़ा आया, और आप सभी को इतनी दूर तक जर्नी देख के आए हो भाई, और इतना अच्छा लोकेशन बता दिएगा, डिब्रूगढ़ आना ट्रेन डॉर्मेट्री में रुक जाना बहुत अच्छा 75 रुपये में, पूरे में अकेले फैल से मतलब सोने वाला हूँ। और हाँ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि कल आने वाली है विवेक एक्सप्रेस की जर्नी, मैं 5 तारीख को जर्नी कर रहा हूँ, देख लेना ये वीडियो 2-4 दिन इधर उधर आएगा। जब तक के लिए जय हिंद।